और दूसरी बात, लाइन के किनारे हम लोग रहते हुए हैं, रेलवे स्टेशन के पास में मड़ुआडी पावर हाउस के सामने। आज एक 15 दिन 20 दिन का पहले मौका मिला हुआ है, नोटिस मिला हुआ है कि आप लोग झोपड़ी हटाइए, बड़ा ताश बोलने आए हैं। हम कहा ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब, भैया जी हम लोग जब झोपड़ी हटा रहे हैं तो हम जाएंगे कहाँ, 50 साल से ही हम लोग यहाँ पर है। ठीक है, 50 साल से है तो 50 साल का कमाई यहाँ पर रखे हो तुम लोग। हम तो भैया बच्चे हमारे हैं छोटे छोटे, यहाँ तक हमारे 10 लोग मर गए, इतनी यहाँ खत्म हो गया है। जब तुम हमारे पिता मर गए, हमारे दादा मर गए, सब पूरी परिवार खत्म हो गई, बचे हुए अकेले 2 बच्चे, एक पत्नी, पति के नाम राकेश, पत्नी के नाम शारदा देवी, वही बच्चे हमारे 2 हैं, एक पत्नी एक हम। 15 दिन बाद आए, मैं तुमसे आप लोग का सबको झोपड़ी वाले को बोले कि आप क्यों नहीं झोपड़ी हटाए। हमको सर हम जाएंगे क्या, हमको सुविधा दीजिए कि हम रेल की जमीन पर तुम लोग को सुविधा नहीं देंगे, आप लोग नहीं हटेंगे तो मैं रेल से दबवा दूंगा। क्यों दबवा देंगे भैया, आपको खा रहे जमीन, आपको नोच रहे। प्रधान जी के लिए हम लोग गए, अनंत प्रधान जो के लिए गए, मड़ुआडी पावर हाउस के लगे रहते हैं, थाना पड़ेगा मड़ुआडी थाना, वहाँ गए सुविधा के लिए, पूछे कि भैया जी आपको रहते हुए, बोले कि आप लोग इसी जगह रहोगे, कोई परेशानी होगा तो कोई भी दिक्कत होगा तो हमसे कहिएगा। आज 15 दिन होली पहले बीतने के बाद पहले ऐसा हुआ, झोपड़ी नोचने लोग आ गए, कम से कम सैकड़ों लोग आ गए, गाड़ी घोड़ा लेके डंडा डंडी लेके आए, मारे पीटे हम लोग को, देखिए एक उसमें 4 लोग घायल हो गए। हाँ नहीं, सीवर में मरे नहीं है, कुछ ऐसा चबरी करते हैं सीवर में घुसने के लिए। हम लोग कहते हैं भैया जी सीवर में नहीं घुसेंगे, क्या नहीं घुसोगे तो पैसा नहीं देंगे हम। तो बाल्टी से हम लोग, ये पहले हम लोग काम करने से पहले बता देते कि बाल्टी से, जहाँ तक बाल्टी हाँ, तो वही हम चाहते हैं कि बाल्टी से हम निकालेंगे, बाल्टी से हिसाब लेंगे। बोले ठीक है, वहाँ बोलेंगे घर पर ठीक है, जब वहाँ जाते हैं काम करने तो वो टाइट बैठ करके जबरी करके हमको रोक लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं। पाँच से 5 बजे वोट तक लगता है, कितने लोग उसमें? 5 लोग रहते हैं, 5 लोग सर। तो देखिए 5 लोग और 5 से 5 बजे शाम तक सफाई में, और तब 500 रुपये मिल करके 100 रुपये की मजदूरी भी नरेगा की मजदूरी से ज़्यादा होती है, ये आप समझ सकते हैं। और अब ये हालत है, और वो मेगा ढोना है वो हाँ। आपके साथ छुआछूत कुछ नहीं होगी? नहीं सर, छुआछूत बहुत होती है, पानी तक नहीं छूने देते। तो बहुत ही डर हमारे साथ? नहीं, हम लोग के एरिया में पानी तक नहीं छूने देते। अच्छा, कहते हैं ये अब सफाई करते हो, छुओ मत अभी, क्यों नहीं छूने दे? घर के अंदर आते हैं, जैसे ये लैट्रिन है, ये पाइप मिला हुआ है और फिर उसके बगल नीचे टंकी बना हुआ है। अब बताइए उसमें घुसेंगे तो इस सर पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर मना करते हो नहीं निकलते ऐसा सर। वो जब देते हैं सुधा, जैसे 1 किलोमीटर दूर जाना है तो वो सर पर लाठी फेंकना पड़ता है, सर पे लाठ पे मैदान फेंकना पड़ता है 1 किलोमीटर दूर जाके। और ये जो है, ये हम बोल सकते हैं कि बनारस शहर के अंदर ऐसी हालत है, और सबने यहाँ पर लिख के दे दिया था कि बनारस शहर के अंदर मैदान ढोने का काम नहीं होता है। मगर सर क्या कह रही है भारत सरकार, बोले कि यहाँ मैदान ढोने का काम नहीं होता, लिखा पढ़ी में तो नहीं होता, लिखा पढ़ी भी नहीं करते हैं ना। कितने लोग हैं, कितने लोग परिवार हैं? 500 आदमी होंगे, हाँ 500 लड़के बच्चे सब लेके। चलिए उधर लड़ते रहिए। राकेश, राकेश बनारस का रहने वाला, उसे चर्चा करना चाहता हूँ कि लगभग 36 से 40 जगह चिन्हित है हमारी ये बस्तियाँ, जहाँ हमारे सफाई कर्मी साथी लोग रहते हैं, उनका परिवार रहता है, जिससे 36 से 40 जगह में से लगभग 25 से 30 जगह अस्थाई जगह है, चाहे वो कजाकपुरा का हो, चाहे वो मड़वाड़ी साइड का हो, चाहे वो कैंट के साइड का हो,
अभी ये कजाकपुरा का नेशनल जो रास्ता बन रहा था रोड के किनारे, लोग रेल के पटरी किनारे रह रहे थे, 2006 में तोड़ दिया गया। टीवी अस्पताल में कुछ आके शरणार्थी के रूप में रहे वो लोग रहते हैं। तो एक उसके साथ मुद्दा हमारे सफाई का जो हमारा मुद्दा है, जो हमारे सम्मान का मुद्दा है, उसके साथ साथ हमारे पास रहने का सबसे बड़ा बनारस में मुद्दा है। उसका बड़ा कारण ये था, आज से 4 साल 3 साल पहले तक कि ना हमारे पास वोटर आईडी था, ना हमारे पास राशन कार्ड रहता था, उसके कारण हम इन सब मामलों को लेकर सरकार से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे थे। ठीक, तो हमें इस बारे में सोचना होगा कि इसकी लड़ाई भी साथ साथ में हम कैसे चलाएं ना, जो हमारा रहने का मुद्दा है प्रमुख, उसके बारे में हम कैसे सोचें, कैसे लड़ाई लड़ें। दूसरा, सरकार ने 2013 में नया बिल पास किया सफाई कर्मियों को लेके, मैनुअल स्क्वेंजिंग बिल को लेके 2013 में। अब उस बिल के बारे में मैंने नहीं पढ़ा, जो मोटा मोटा मामला है 2013 का जो बिल है उसमें जैसे अभी ना उन्होंने बताया कि हम सीवर के अंदर घुस के किस तरह काम करते हैं, किस तरह क्या होता है, कितना पैसा मिलता है, तो उसमें भैया पूरा है गाइडलाइन कि आपको एक उपकरण है पूरा पूरा, उस उपकरण को पहन के ही उसके अंदर घुसना है। ठीक है, आपका बीमा है, विद्या भाई ने भी बताया 10 लाख का बीमा है, उसके अलावा भी परिवार का भी कई मामला है। ठीक, उसके अलावा भी परिवार की भी कई सुविधाएं हैं, अगर आपके घर में कुछ मामला घटित हो जाता है तो कई मामले हैं जो सरकार उसमें 2013 का बिल देती है। आप या तो मेरा नंबर लें या इन साथियों में से किसी साथियों का नंबर लें जो बनारस के हों, उनसे आप संपर्क में आए, उनसे निवेदन करें कि जो 2013 का बिल आया है उस 2013 के बिल के तहत अंतर्गत क्या क्या आपके लिए सुविधाएं उसमें है, किसके लिए आप लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि भैया जिसका मुद्दा होता है ना उसी की लड़ाई होती, तो जिसका मुद्दा उसकी लड़ाई और जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई। तो आप लोग थोड़ा आगे हैं, बनारस में वास्तविकता बता रहे हैं, मैं खुद शर्मसार हूं कि मैं अपने इस समाज के साथ कोई काम बिल्कुल निखर होकर कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि पिछले 4 साल से मैं कहीं बाहर रह के काम करता हूं और देश के अन्य 6-7 राज्यों में मेरा काम रहता है, तो मैं अक्सर महीने में 20-22 दिन बाहर रहता हूं। तो इधर 3-4 सालों से उससे जुड़ के काम करने की वजह से मैं पूरा समय बनारस में नहीं दे पाता हूं, लेकिन हाँ इन सब मुद्दों के लिए अगर आप आते हैं साथ में चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है कि रहने वाली जो समस्या का लड़ाई है वो जो 2013 का जो मैनुअल स्पंजिंग बिल आया है, जो सफाई कर्मियों का एक भारत सरकार का बिल जो आया है उसके लिए, तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, उसमें अमल कर सकते हैं कि क्या रणनीति बनाएं। काम छोड़ना ना छोड़ना वो दूसरा, अगर लोग कहते हैं अगर काम छोड़ना भी है तो हमें इस, अगर ये आंदोलन का पार्ट, आंदोलन के पार्ट में जाना चाहते हैं कि काम छोड़ के दूसरा काम पकड़ लो, तो ठीक है काम छोड़ के हम दूसरा काम पकड़ने को तैयार हैं, लेकिन उसके एवज में हमें लड़ाई तो लड़नी होगी। ये तो चाहिए होगा कि भैया कि हमें उसके बदले में सरकार क्या नौकरी दे रही है, सरकार अगर 1-2 लाख से काम नहीं चल रहा है, सरकार हमें कुछ बीघे जमीन का आवंटन करवा सकती है, तो उसका एक एजेंडा तय होके ही आंदोलन में हम लड़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अचानक काम छोड़ देना और फिर उसके साथ साथ दूसरा काम शुरू करना कोई बहुत बड़ी लड़ाई है। अच्छा, उसके साथ साथ मैं एक चीज़ आप लोग से और लास्ट में 2 लाइन और जोड़ूंगा कि SC ST Act जो आप लोग सुनते होंगे ना अपने अपने घर के आसपास, हरिजन एक्ट, आप लोग के भाषा में नहीं बोलते हरिजन एक्ट लग गए लोगों के ऊपर, तो उसके साथ साथ इस कानून का भी उपयोग करना सीखें आप लोग। 21 कॉलम है इस कानून में कि अगर आपको कोई पानी नहीं छूने देता है ना, आपको कोई जबरी में नहाल में घुसा रहा है, ठीक, उसके ऊपर आप FIR करते हैं तो तत्काल आपको FIR करने के बाद 60,000 रुपये मुआवजा है, उसके बाद 1,20,000 रुपये मुआवजा है टोटल सुनवाई के बाद। महिलाओं के साथ कोई इस तरह दलित महिलाओं के साथ जबरदस्ती काम करवा रहा है उसका अलग मामला है, ठीक, आपको जमीन को लेकर लेके कोई कब्जा कर रहा है उसका अलग मामला है, तो हमें जानना जरूरी है। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपना बात खत्म करूंगा। जय भीम, जय भारत। अलावा जो शराब मधमासू है वो सब अपना अपना लिस्ट में, हमारा हजोरी है, मांगी हमारा नाम है, हजोरी है तो बंद करो, अपना दिमाग बनाकर सरसी संघ में चलना है, वो पी लोगे तेरा गड़बड़ हो जाएगा तो पागल ये दिमाग चलता है। तो अगर वो सुधार दोगे, जो सुधार दोगे तो अपना लाइन में सब बच्चे लोग हो जाएंगे, तुम भी हो जाएगा, सब परिवार भी हो जाएगा। हमारा एक आलामा भाई मरमा शराब मत पियो।
जो नहीं पिएगा उसका सब भला जाए, जो पिएगा वो कीचड़ में रहेगा, वो नहीं कितनों कोई सुधारेगा वो नहीं सुधरेगा। एक दो पार्टी किचकिचवा है, अनचुची जात है, इन लोग को कितनों समझाएगा वो नहीं समझते, इधर थोड़ा लाइन में आ जाएंगे तो भी समझ जाएंगे। हमारा यही कहना है शराब पीना एकदम बंद कर दो, मत मानो से एकदम मत बंद कर दो, मांगी का नाम यही है, तब सबका दिमाग एक रहेगा। अरे पागल पानी पी लेगा तो किसी का पागल पानी काम खत्म हो जाएगा, समझाते समझाते मर जाएगा, कोई समझने वाला नहीं रहेगा। मेरा अरे पानी क्या पीना, ना नौकरिया ना चकरिया, टाली चला के गुजर कर रहे हैं 20-40-50 साल से मरवा आज 40-50 साल से वहीं मड़ुआड़ी में रहते रेत के पीछे, हम लोग को कोई साधन नहीं आज तक कोई दिया, लोग कोई आया पूछा तो तुम लोग के साधन आए नहीं है, कुछ नहीं साधन दिया। जैसे हम लोग टाली चला रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, उसी तरह से हम लोग अपना पड़े हैं, अपना जिए मेहनत के कमाई से खा के जिए खा रहे हैं, अपन पड़े हैं। नहीं तो हम लोग को कोई सुनवाई नहीं आज तक किया, तो मड़ुआड़ी में क्या होगा नहीं होगा, बच्चे लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, पानी है साधन है कुछ नहीं, कोई आता कोई जाओ जैसे है उसी तरह से तुम लोग पढ़े रहो। इतिहास साहब हम लोग खुशी से मेरे दान दे दिया, इन लोग का हम अपना पहिया देंगे, जहाँ कहेंगे जहाँ लोग लेने खातिर तैयार है। ये महिला ढोने वाली प्रथा में काम करने वाली महिलाओं के साथ बहुत ही प्रयासरत, लगातार उनका प्रयास अभी भी जारी है। शबाना जी हैं, देवरिया से हमारी जुझारू साथी संगीता बहन हैं, इसी कड़ी में हमारे बीच प्रदीप जी हैं गाजीपुर से, और इसी कड़ी में हमारे बीच हैं हमारे साथी राज कपूर जी, गाजीपुर से चलकर हमारी छोटी बहन संजीदा जी, फतेहपुर से चलकर धीरज जी जो हैं आए, मैं प्रकाश जी को बुलाना चाहूंगी कि कृपया वो मंच पर आए। प्रकाश जी ही जो जनपद फतेहपुर से चलकर आए हुए हैं, बग्गूलाल जी मंच के पास आइए, दीपू जी मंच के पास आए, इसी कड़ी में आगे हमारे साथ हैं गाजीपुर सरोज जी, इसी कड़ी में कानपुर से चलकर हमारे बीच उपस्थित हमारे साथी बनोज जी हैं, मैं अनुज जी से आग्रह करूंगी कि उनको मोमेंटो और मेडल के साथ सम्मानित करें। देवरिया से हैं संगीता जी, वो कृपया दो शब्द मंच पर आके कहें हमारे बहनों और भाइयों के लिए। हम तो देवरिया से आए हैं, समस्या सब जगह एक ही है, बस गांव है अलग अलग है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट चेंज है लेकिन सब जगह की समस्या यही है। नल के पानी आज भी सुनने नहीं दिया जाता है, चाय दूध दिया जाता है, अगर जो बड़े लोगों को जो जमींदार स्तर के लोग हैं, समाजवादी सोच विचार के लोग हैं, उनके काम न करें तो अपने दरवाजे से रास्ता तक बंद कर देते हैं,
लेकिन इसके लिए हम जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, आगे नहीं आएंगे, अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक हमको आज़ादी नहीं मिल सकती है। और हमको अपने आप को सम्मान से जीने की जरूरत है। भले दो बार चार बार अस्तर होगा, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो जरूर जीत हमारी होगी। इसी कड़ी में हम चाहेंगे निदेशक विद्याभूषण रावत जी से, सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन से, कि वो आए। और जो अभी मैं बात पहले बोल रही थी कि जो हमारा नया कानून बना हुआ है ये महिला डोने की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए, इस पर प्रकाश डालें। जब तक आप लोग अपने को बराबरी की ओर नहीं समझेंगे, आपका शोषण जारी रहेगा। तो मैं केवल ये बात को कहना चाहता हूँ कि जो कानून सरकार ने बनाया था, अब क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे साथी हैं जो काम कर रहे हैं, इस कानून में काफ़ी कमियां रही, क्योंकि उस वक्त जब ये कानून पास हुआ था तो बहुत जल्दबाजी में पास हुआ था। हालांकि इस पर डिस्कशन काफ़ी हुई, लेकिन 2013 में जब सरकार का अंतिम दौर था, पिछली सरकार का, तो ये कानून में कुछ पेचीदगियाँ अभी भी बाकी हैं। और हम चाहते हैं कि महिला प्रथा से संबंधित हरेक परिवार, क्योंकि यहाँ से हम सरकार को कुछ, सरकार को हम एक रिपोर्ट देने जा रहे हैं, सरकार को कुछ रिकमेंडेशन देने जा रहे हैं, तो हमारी पहली मांग ये थी कि जो ये हमारे महिला के पेशे में लगे हुए लोग हैं, ये डोम, बांसपुर, मचकार, रावत, झेला, हलालपुर, सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी जाति धर्म का है, पहले वो एक पेशे से जुड़ा हुआ है, उसको सरकार जो है पुनर्वास करे, यानी कि उसको मकान बना के दे और जमीन दे, खेती की जमीन। हमने 5 एकड़ जमीन की मांग करी थी सरकार से, कि हमको पता है कि सरकार की औकात कितनी है, लेकिन कम से कम सरकार को खेती की जमीन उनको देनी चाहिए। जो महिलाएं काम छोड़े उनको खेती की जमीन और मकान सम्मानपूर्वक जीने के लिए, पहली बात ये होनी चाहिए। दूसरी बात हमें कह रहे थे कि सरकार की, इस देश के हम नागरिक हैं, जब हम इस देश के नागरिक हैं तो नागरिक होने के नाते हमारा हक है, हमारा कार्ड होना चाहिए, राशन का कार्ड होना चाहिए, BPL होना चाहिए, सब होना चाहिए। वो हक हमारा छीना गया है। अभी आप बहुत से समाज के अधिकांश लोगों के पास कुछ कार्ड है, राशन का कुछ, उनका वो हक है, उसको सरकार ढंग से जांच करके ये सारी समुदाय को BPL के दायरे में लाए, जो पहले भी बात थी, और उसकी जांच करे कि समुदायों के लोगों के पास राशन के कार्ड है या नहीं है, उनके पास आधार कार्ड या उनके पास जो चुनाव का पहचान पत्र होता है वो सब होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं कि होनी चाहिए। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि हर एक समाज के लिए कुछ रोल मॉडल्स होते हैं, हर एक समाज के लिए कुछ उनके, जब तक वो सत्ता में भागीदारी नहीं करेंगे तब तक वो समाज हमेशा पीछे रहता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे नौकरियों में आरक्षण है, रिजर्वेशन होती है, तो लोगों को रोजगार मिलता है, काफ़ी लोगों को मिला। हमने कहा कि भागीदारी का मामला है, जब होते सत्ता में भागीदारी, तो हम ये मांग करते हैं कि जो गैर सफाई पेशा है, अब क्या होता है कि वाल्मीकि की नौकरी लेगी तो सफाई में लगाएंगे, ढेला के लगेंगे तो वही नौकरी देगा कि सफाई का काम करेगा, उनको बगैर सफाई का। भाई इन समुदायों के भी बच्चे निकले, वो भी अधिकारी हों, वो भी GM SDM बने, वो भी पुलिस के थानेदार बने, वो भी, ये कैसे होगा कोई डोम हो, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई डोम समाज का व्यक्ति है जो कोई IAS है, DM है, SDM है, थानेदार है, तहसीलदार है, इवन क्या उत्तर प्रदेश के अंदर डोम समाज का कोई व्यक्ति है जो एक लेखपाल भी है? जब नहीं है तो उसके लिए सरकार को ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत समुदाय है, मैंने जिनका नाम लिया उन समुदाय की हालत बहुत खराब है। एक समुदाय मुसल समाज का नहीं है, मुसा, डोम, कोल, ये बांसपुर, उनका हालत बहुत खराब है। सचकार समाज, इनके लिए नॉन सैनिटेशन वर्क में 5% कोटा कम से कम होना चाहिए, 5% कम से कम सरकार की नौकरियों में, सरकारी स्कूलों में, अच्छे नवोदय विद्यालयों में ऐसे बच्चों को आना चाहिए, सरकार उनकी व्यवस्था करे, इसकी हम मांग करने जा रहे हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक मांग करूँगा कि स्वच्छता, ये इस पेशे से जुड़े हुए जो समाज है उसके बच्चों के लिए, मतलब जो नवोदय विद्यालय हैं, जो केंद्रीय विद्यालय हैं, उनके हॉस्टलों में व्यवस्था होनी चाहिए। और जब तक वो मिक्सअप करके नहीं रहेंगे, यानी कि उनको अलग से विद्यालयों में रखना चाहते हैं,
उनको सबके साथ बैठा करके तभी छुआछूत के खिलाफ की लड़ाई हमारी सफल हो सकती है, नहीं तो अलग से एक आश्रम बना देंगे एकलव्य विद्यालय और ये अकेला चलो वाले विद्यालय नहीं चलेगा। सरकार को उनके लिए जो मेन विद्यालय है, जरा रुक जाना भैया थोड़ा चाय के लिए रुक जाना दो मिनट के लिए, सब लोगों को चाय मिलेगा अच्छे से, तो उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये मांग हम इसमें करने जा रहे हैं। और एक जो बात सुबह हिमता जी ने बोली थी, बहुत बड़ी बात है वो, उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भी अधिकारी अगर मैला ढोने की प्रथा को किसी तरह से इग्नोर करता है, हम सरकार को एक टाइम देते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को एक समय सीमा देनी चाहिए कि भैया कितने दिन में पता करोगे कि कितने लोग हैं हमारे, इसके लिए एक सीमा होनी चाहिए और उसका शोषक ऑडिट होना चाहिए। शोषक ऑडिट हम इसलिए कह रहे हैं कि सरकार ने भी आंकड़े दिए, किसने का 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, यहाँ भी जांच करेगी। अगर हम अभी बोलेंगे कि मड़वाड़ी के में ये जो डोम लोग हैं, हेला लोग हैं, रावत लोग हैं, ये सफाई का काम करते हैं, इनकी जांच की जाए, तो ला करके हमको लिस्ट लेंगे, बोलो 10 लोग हैं, तो ये अधिकारियों की बदमाशी है। हमें इसकी बात करते हैं कि जिस चीज़ की भी जाँच, जिस चीज़ का भी वो आंकड़ा दे रहे हैं, वो सही आंकड़े दें कि कितने लोग इस समाज के हैं, और उन लोगों का अगर कोई गड़बड़ी सरकारी योजनाओं में नहीं होती है, कोई अधिकारी उसको जो है उसमें बोलते हैं कि उसके धन से अपना पालन नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी फिक्स्ड कि भाई तुमने जो गलत रिपोर्ट क्यों दी, तुमने सही रिपोर्ट क्यों नहीं दी। और क्योंकि यहाँ पर भी ये लोग जो है रेलवे की भूमिका जो है शिकार बनने जा रहे हैं। इस देश के अंदर सबसे बड़ा जो तानाशाह है और सबसे बड़ा जो डकैत है वो रेलवे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सारी जगह मिल गया। यहाँ खोदों की जमीन, ये मेरे बाप की जमीन, मेरे परदादा की जमीन, मेरे उसकी जमीन। हम ये सरकार से बोलेंगे कि भैया इन लोगों को निकालने से पहले, इनके घर जाने से पहले उनको घर बना के दो। अगर ये मांग नहीं करी तो आप लोग सब भूख हड़ताल पे रेलवे ट्रैक पे बैठ जाओ। अब बोला हमारे पर कई जवाब, आप लोगों को भी नाटक करने की आदत आनी चाहिए भाई। ये नाटक लोग सब दूसरे करते हैं, आप लोगों को भी करना चाहिए। ये जिस कैंपस में आप बैठे हो इसमें बहुत बड़ा नाटक चलता है।